हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय जीके स्टडी। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के गवर्नमेंट एग्जाम के फर्स्ट डेट और फर्स्ट सेटिंग में आए थे, जो कि 31 मार्च 2019 को हुआ था। सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में जो फर्स्ट सेटिंग थी उसमें, तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करता हूँ बिना किसी दिन के। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद विच रिलीजन इज द दिलवारा टेंपल एसोसिएटेड। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये टेंपल जो है ये राजस्थान में है, जो कि 13वीं सेंचुरी में बनवाया गया था विमल शाह के द्वारा। और इसका जो आंसर रहेगा जैनिज्म आंसर रहेगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो एंको वाट, मैं आपको बता दूं ये भी एक टेंपल है और ये टेंपल कॉम्प्लेक्स जो है कंबोडिया में मतलब है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस मोमेंट इन द वर्ल्ड है, और इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 66। और जो वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है वो या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए वो। और तो इसका आंसर जो रहेगा वो आर्टिकल 66 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन गणपतराव हंडलकर वाज एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है रेसलिंग, रेसलिंग से एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एट दी डैश इन न्यू दिल्ली सितंबर 2018। तो ये एक क्रेडिट कार्ड सर्विस कंपनी के द्वारा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस शुरू की गई है, जिसका मेन मोटो जो है हाउस टू हाउस बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना है, और इसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया था। वो जो इसका सही आंसर होगा वो रहेगा तालकटोरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में जो है उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया था और ये दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 25th इंडियन स्टेट टू अचीव स्टेटहुड इज, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? और ये है गोवा। गोवा जो है 25वां राज्य बना है, जो कि गोवा सिटी ने राज्य का दर्जा हासिल किया है। अगला, कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो है 233 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज द नेपोलियन इंडियन नेपोलियन, समुद्रगुप्त जो थे नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया जाने जाते थे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस इन इंडिया रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल एज इफ नाउ, तो इसमें आप देखिए ये पूछ रहा है एज इफ नाउ, अभी जो है ऐसा कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव कर रहा है। वैसे तो मेघालय जो है इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन अभी के लिए इसने जो पूछा है उसका आंसर बताना आप। तो उसका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो मोहसिन राम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो प्रेजेंट लीडर ये जो है इलेक्शन से पहले की बात थी, और उस समय जो है गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो अपोजिशन में थे, और शायद अभी भी हो, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसने पूछा प्रेजेंट, तो इलेक्शन के बाद क्या हुआ होगा ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The question is, which of the following elements is least likely to be found in the commercial fertilizer? इसमें चार ऑप्शन आए थे, जिसमें पोटेशियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिलिकॉन है, जिसका केमिकल एलिमेंट जो है वो SI है और एटॉम नंबर जो है वो 14 है। तो अगला क्वेश्चन है, With which of the following production is black revolution associated? जिसके
चार ऑप्शन थे, कच्चे तेल का उत्पादन, सरसों का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन और मछली का उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कच्चे तेल का उत्पादन। कच्चे तेल के उत्पादन से जो है ये क्रांति जुड़ी हुई थी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। तो इसमें जो चार ऑप्शन आए थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, जिसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पंजाब। ये जो है पंजाब जो है स्टेट है, यही लैंड ऑफ फाइव रिवर के नाम से जानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ रॉकेट वॉक्स। ये जो क्वेश्चन आया था इसमें चार ऑप्शन थे, कैप्लर का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति शक्ति का संरक्षण और कूलम्ब का नियम। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि गति शक्ति का संरक्षण। इस नियम पे जो है एक इस सिद्धांत पे एक्चुअली में जो रॉकेट है वो काम करता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन जूल्स रिमेट कप एसोसिएटेड। तो इसमें चार ऑप्शन जो थे वो थे बास्केटबॉल, लॉन, टेनिस, फुटबॉल और हॉकी। और इसका जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल। फुटबॉल से ये जो है जूलस रिमेट कप का संबंध है, तो राइट आंसर जो रहेगा। क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिव राम राजगुरु वर हैंग फॉर देयर रोल इन विच कंस्पायरेसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौर कंस्पायरेसी केस में जो है इनको फांसी दी गई थी। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के फर्स्ट एड फर्स्ट सिटिंग में आए थे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।